स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो हमारे पास एक ये मिरर स्टैंड है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम इस कॉनकेव मिरर का और इस मिरर स्टैंड का और इस ऑब्जेक्ट पिन का यूज़ करके किसी भी लिक्विड का, हमारे पास इस बॉटल के अंदर पानी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई आर डैश। जो आर होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट लिक्विड फ्रॉम मिरर आर। मतलब हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर देखिए। सबसे पहले ये हमारी जो ऑब्जेक्ट पिन है इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से, लेकिन डिस्टेंस तब मेजर करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पिन की इमेज इसमें बननी चाहिए, ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में बननी चाहिए। मतलब ये इमेज ऐसी बननी चाहिए, रियल तो बनती है, सेम साइज और इनवर्ट, और कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन। देखिए, हमने इसको सेट कर रखा है ऑलरेडी। देखिए, आपको ये इमेज उसमें दिख जाएगी। देखिए, जब हम अपने कैमरा को हिला रहे हैं तो उस वक्त ये इमेज भी हिल रही है, ये इन्वर्ट और सेम साइज़ है, मतलब ऑलरेडी ये सेट है यहाँ पे। तो एक रीडिंग हम यहाँ से ले लेंगे, इसको सेट करना है। ये हमारे पास इन स्क्रू से आगे पीछे करेंगे, इसका यूज़ करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे विदाउट लिक्विड। अब जब आर आएगा हमारे पास लिक्विड की एब्सेंस में, आर डैश आएगी लिक्विड की प्रेजेंस में, और दोनों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आएगी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेना, प्रोसीजर। तो इसके लिए देखिए हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक हमें स्केल चाहिए, तो स्केल से हम क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास ये पिन है, मैं इसको थोड़ा सा देखिए मूव कर रहा हूँ मैं। तो हमें इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इसका जो इमेज है वो रियल बने, सेम साइज़ बने और इन्वर्ट बने। तो हम इसको सेट करते हैं, ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट पिन है और इसका इमेज ये बन रहा। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक बार अपनी गर्दन को हिला के देखते हैं, थोड़ा सा हमारा कैमरा हिलाते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा नीचे सेट करना है। ये इस तरीके से, ये यहाँ पे, अब देखो, अब हम हमारा कैमरा हिला के देखते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट के साथ आपकी इमेज पिन नहीं हिलती है, मतलब दोनों की निप कोइंसाइड होनी चाहिए ऐसे। तो ये कोइंसाइड है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आती है यहाँ पर। देखिए, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। तो हम इसका फर्स्ट रीडिंग मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ से हमने स्केल रखा, इसका जो फर्स्ट रीडिंग मेज़र किया, तो इसका जो डिस्टेंस आता है मिरर से, ये आ रहा है हमारा 36 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट रीडिंग आ रही है हमारी, आ रही है आर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे इसके ऊपर लिक्विड डालेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखिए, ये हमने लिक्विड डाल दिया, मतलब वाटर, बबल्स नहीं होनी चाहिए, और वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद हम इसके अंदर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इमेज बनाएंगे। अब देखिए, वाटर डालने के बाद इमेज बनाते हैं। देखिए, वाटर डालने के बाद, लिक्विड डालने के बाद हमने इस ऑब्जेक्ट पिन का फिर से डिस्टेंस सेट कर लिया है। अब लिक्विड डालने के बाद ये लिक्विड से इसका फोकल लेंथ चेंज हो गया मिरर का। अब इसका फोकल लेंथ चेंज हो गया, मतलब जो केव बनी हुई थी वो भर गई। उसके बाद ये जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, वो अलग डिस्टेंस पर बनेगा। तो देखिए एक बार, आपको ये आपका ऑब्जेक्ट है,
इसमें दिख रहा होगा, और जस्ट ये आपको इसकी इमेज दिख रही है, लगभग ये बिल्कुल सेम साइज़ है। अब ये किस डिस्टेंस पर आता है उसको मेज़र करते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये। ये आ रहा है हमारा 26.5, ये आ रहा है रीडिंग हमारा 26.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें बार बार रीडिंग लेनी है। मैं एक बार रीडिंग ले लेता हूँ, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। प्रोसीजर इसका देखिए, एक बार समझ लीजिए। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट पिन है, ये आपका स्केल है। कॉनकेव मिरर को यहाँ पे रखना है, आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके अंदर बनाना है। इमेज बनेगा इन्वर्ट और सेम साइज, इन्वर्ट और सेम साइज के इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से उसको कैलकुलेट कर लेना है स्केल की हेल्प से। उसके बाद लिक्विड डालना है, लिक्विड डालने के बाद फिर आपको सेम साइज इमेज बनाना है। इन्वर्ट तो बनेगा ही, कॉनकेव मिरर है, फिर उस डिस्टेंस को मेजर कर देना है। जब दोनों डिस्टेंस आएगी तो जो रियल डिस्टेंस है और बाद में जो अपेरेंट डिस्टेंस है उसका डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो एक बार हम 4-5 रीडिंग लेके इस कैलकुलेशन को प्रोसेस करते हैं। हमने अलग अलग रीडिंग लेकर कैलकुलेशन कर ली है। तो जैसे हमारी फर्स्ट रीडिंग आती है 36, सेकंड 35, लिक्विड की प्रेजेंट में 26, ये 27, ये 35, 36.3, 34.8, इस तरीके से ये रीडिंग आती है आपकी लिक्विड की एब्सेंस में, ये आती है लिक्विड की प्रेजेंस में। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर के अंदर आर डे से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ आती हैं। अब हम सबका क्या निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो जब हमने मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो हमारा आया 1.28, और हमने लिक्विड की जगह पर वाटर यूज़ किया है, और जो वाटर का थर्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है। तो जो 1.33 होता है और 1.28 आ रहा है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, तो कुछ ना थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ा सा ये कम है, इसको एक्सपेरिमेंटल एरर मानकर हम इसका एरर परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू।